नमस्कार, एसआरबी बुलेटिन से मैं प्रहलाद कुशवाहा। आज हम मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्राम बरवाई में हैं और आइए हम कुछ विकलांग आदिवासी लोगों की समस्याएं जानेंगे। तो आइए जानते हैं, आपका नाम? शुभम। तो ये जो आपका भाई है, इसको क्या क्या परेशानी है? ना चल पाता ना बोल पाता। तो इसका ये जो विकलांग कार्ड है वो बना हुआ है क्या? नहीं बना। इसको पेंशन वगैरह कितनी क्या मिलती है? 600 रुपये मिलती है, वो भी 2-4 महीने में आ गई तो ठीक है, कोई बात नहीं। और ये जिसके पास चलने फिरने के लिए कुछ नहीं होता, उनको गवर्नमेंट द्वारा साइकिल दी जाती है 3 पहिए वाली, वो मुहैया करवाई गई अभी तक कि नहीं? वो मिली थी आज से कम 10 साल पहले, तो वो जब ही ख़त्म हो गई, जब से अभी तक दी नहीं। तो अभी आपने किसी को बताया था? हाँ बताया था। किसको बताया था? सरपंच सचिव को बताया था। तो सरपंच सचिव ने क्या बोला? कुछ नहीं बोलते, बोले जब देखो जब देख बोलते हाँ मिल जाएगी बस। कितने साल हो गए आपको ऐसा बोलते बोलते कि दिलवा दो, लेकिन दिया नहीं? कम से कम 5-6 साल हो गए कम से। तो आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना, उसको सुविधाएं दी जाए जितनी मिलती हैं सरकार द्वारा। क्या क्या सुविधाएं चाहेंगे आप? उससे कम से कम पेंशन मिलती है, वो टाइम से मिल जाए, साइकिल मिल जाए, और क्या। आपसे जुड़ के हमें बहुत अच्छा लगा। तो देखा आपने किस प्रकार की हमारे गांव ग्राम बरवाई के आदिवासी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर कोई विकलांग भी है तो उसको शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं दी जाती, जैसे कि उसको विकलांग पेंशन, या अगर वो चल नहीं पाता तो उसको साइकिल की व्यवस्था, किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा उसको दी नहीं जाती है। इन लोगों का कहना है कि अगर शासन प्रशासन से इस प्रकार की सुविधाएं नहीं दी गई तो ये लोग आगे जाके उग्र आंदोलन करेंगे। एसआरबी बुलेटिन से प्रहलाद कुशवाहा, कैमरामैन तुलसीराम कुशवाहा के साथ।